India number one institute kona. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे टेलीकॉम के सिर्फ रिव्यू बैचेस नहीं है। यहाँ पर हम इनसे सवाल और क्वेश्चन भी करेंगे, टेक्निकली क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या वाकई में ये सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पे क्लास टाइमिंग कितना है? क्लास 8 बजे से लेके और आपको 8 बजे तक इतना है, और इतने इतने के बाद भी यहाँ पे आप लोग के कहने पर हमने 9 बजे क्लास की, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई थी और इस वजह से थोड़ा सा हमने 1 घंटा लेट किया। कुछ दिन के लिए हुई है वो भी, कुछ दिन के लिए हुई है। यहाँ पर बाकी यहाँ पे टीचरों का सपोर्ट कैसा है? यहाँ पर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? प्रतीक, अपना अभी तक 20 दिन का क्या आउटपुट रहा आपका, कि बाकी में क्या आप यहाँ आके सेटिस्फाई हुए हैं? आपके जितने भी साथी हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है जो हॉस्टल में आके ये बोलता है यार मजा नहीं आया? ऐसा फुल सेटिस्फाइड है, और क्यों नहीं होंगे सर, जब हमें सीखने को मिल रहा है, हम इतने इतने सालों से काम कर रहे थे, जो बिल्कुल हमें नई चीज देखने को मिली है, सीखने को मिली है, तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं होंगे? सभी सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर आप सबने डेली SMD पे काम किया है? डेली SMD पर काम? यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी है यहाँ पर? नहीं सर, हर चीज, अगर रिंगर IC भी बताइए तो सबसे रिंगर IC निकलवाइए ना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में मिलती है। मुझे एक बार और बता दो, आप मुझे बताइए, क्या वाकई में ये 15-10 दिन के कोर्स में आप कर पाते क्या इतना? 15-10 दिन के कोर्स में तो कुछ भी नहीं हो पाता, EMC का कोर्स कम से कम मिनिमम 10 दिन तो है ही। हाँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर बेसिक चीजें के नॉलेज 10 दिन के 15 दिन के अंदर नहीं मिल सकती, नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ फायदा क्या है कि वापस फिर से आने का, वो क्यों बड़ा है, वो क्या है? देखिए, अपग्रेड, अब नई नई चीजें आ रही है, 5G आएगा और अभी UPS आना है हमारे पास में, ये सारी चीजें जब आएंगी तो फिर अपडेट होने के लिए, यहाँ पे अपडेट होने के लिए हमें आना पड़ेगा, और आएंगे हम, आएंगे यहाँ पे। कौन कौन आएगा बताइए दूसरी बार अपडेट होने के लिए? देखिए, क्योंकि आप सब टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं और आप अपडेट होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे कुछ सवाल कर लेते हैं, और कुछ बेसिक सवाल, और इस बार हम कॉम्पोनेंट पूछते थे। अगर मैं बात करूँ कॉम्पोनेंट की, तो सबको कॉम्पोनेंट आते हैं यहाँ पर चेक करना? कॉम्पोनेंट सर चेक किए तो बेसिक है, क्योंकि 20 दिन हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कुछ नए, कुछ बड़े सवाल से। I2C की लाइन हो गई है, डिस्प्ले की लाइन हो गई, टच की लाइन हो गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ 1-2 लोगों को उठाऊंगा, जिससे मैं पूछूंगा कोई सवाल। तो मैं यहाँ पर पहले इन्हीं को उठा लेता हूँ। प्रतीक जी, आप उठिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा, आज ही की बात करते हैं। 16 लाख की IC पड़ी है, वेरी गुड। 16 लाख की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले की ग्राफिक्स और लाइट IC आज हमने देखी। सो अगर बताइए कौन कौन वो IC पे काम कर लेगा, आप जरा हाथ उठा के बताइए। सभी लोग ने काम कर लेंगे उसको। चलो मुझे बताइए आप प्रतीक जी, कि उस पर वो 16 लैग में कौन कौन सी लैग पे इनपुट वोल्टेज आते हैं? सर, VVAT के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 1 नंबर पे आ रहे हैं, 16 पे आ रहे हैं, 15 पे आ रहे हैं और 12 पे आ रहे हैं, इनके बीच में एक बूस्ट कॉल लगी हुई है। बूस्ट कॉल लगी हुई है, वोल्टेज जनरेट कर रही है। कितनी बूस्ट कॉल लगी होती है? 3 बूस्ट कॉल लगी होती है। तीनों के क्या काम है? सर, तीनों, एक तो ग्राउंड से अटैच है, वो भी वोल्टेज -4.9 वोल्टेज बना रही है। वेरी गुड। बाकी जो 2 और बूस्ट लगी हुई है वो +7 वोल्टेज आपके बना रही है। +7 वोल्टेज जो यहाँ नहीं, क्योंकि जनरली वोल्टेज तो +12 +17 +7 वोल्टेज का क्या सीन है? +7 वोल्टेज का सर सीन ये है कि एक्चुअली सुपर AMOLED डिस्प्ले में सर इतने लाइट की खपत कम है और ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है ना, यही तो है LED और LCD में अंतर। बिल्कुल सर। वो पुराने जो CFL चलते थे वो कितना जलते थे, 40-40 वाट में, आज 4-4 वाट में LED कितना जल रहा है, तो यही है। तो बताइए कि उस वो जो फोन में कैसे पता चलेगा कि एक हमारे पास AMOLED डिस्प्ले लगा है, कैसा मैं फोन में पता चलेगा? मैरीना में हम चले जाएंगे, उसमें सर का नंबर डालेंगे, वो टोटल उसका डिस्प्ले दे देगा, UMC कौन सी लगी है, UFS क्या लगा है, IC के बारे में बता देगा, वर्जन भी बता देगा, ये भी बता देगा कि MMC लगा है कि UFS लगा है। अच्छा बताइए इसमें EN सिग्नल कौन से पॉइंट पे आएंगे? 2 सिग्नल आएंगे EN सिग्नल, और दोनों एक 8 नंबर पर 9 नंबर पर की पिन पे आएंगे। अच्छा मुझे बताइए, क्या वाकई में आपको इससे पहले ये पता था क्या? सर बिल्कुल नहीं पता था, और मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ कि मेरे को ये चीजें, ऐसी चीजें पता पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास अब सेट शायद कोई रुकेगा नहीं, सब सेट ऑन करके नहीं करेंगे ही। बिल्कुल इनके लिए जोरदार ताली बजाइए जरा, करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच, करेंगे ही। यहाँ पर इसके साथ में हम यहाँ पे और उठाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिरोज सर को बताऊंगा। फिरोज सर थोड़ा आप आइए और आप थोड़ा सा सवाल कीजिए यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में। यहाँ पे प्रिया से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा I2C लाइन के बारे में बता दीजिए, क्या लाइन उसमें चलता है? I2C लाइन होता है कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो CPU से आता है, 2 लाइन आता है, एक सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक होता है, जो कि 1.8 वोल्टेज के साथ 2.2 किलो ओम के पुल अप रेजिस्टर से होकर जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि 3 कोई ऐसा सेक्शन बता जिसमें I2C सप्लाई जाती है। हमारा रिंगर आईसी हो गया, रिंगर आईसी हो गया, डिस्प्ले आईसी हो गया, डिस्प्ले आईसी हो गया, चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी भी,
और वो सेंसर आईसी है जिसमें हमारी आई टू सी सप्लाई जाती है। आई टू सी सप्लाई जिसमें 2.2 के का पुल अप रजिस्टर होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपका नाम क्या है? प्रियव्रत साहू। प्रियव्रत, ये बताओ कैसा लग रहा है, मतलब अभी फिलहाल जब आप आए थे तो आपने क्या सोचा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ जबलपुर, इतनी दूर क्या सीखने को मिलेगा, इतने सारे यहाँ पे आपके दोस्त मिले, आपके बने, तो आप बताइए आपका रियल आउटपुट क्या है, आपका अभी तक आपको कैसा फील होता है यहाँ? सर सीखने को तो बहुत कुछ मिला क्योंकि मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, मगर ये सब के बारे में पता भी नहीं था, ये सब यहाँ पे आके पूरा डिटेल नॉलेज मिला। आपको यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट तो नहीं हुआ पूरा? सर बताइए, जितना भी 20-25 दिन आपने वेट किया यहाँ पर और अभी आपको लगा है कि मैंने कुछ सीखा है यहाँ पर? सर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, मतलब पहले तो क्या काम भी होता भी नहीं था, हम कस्टमर का रिटर्न भी कर रहे थे जिसके बारे में पता भी नहीं था। वही ये सारी चीजें देखिए, आई टू सी की लाइन में अगर वही रजिस्टर ओपन हो जाए तो क्या टच काम करेगा क्या, बताइए? नहीं सर, नहीं करेगा ना। आप भी बोलेगा सर मेरे को टच पे सब तरह के झियार आ रहे हैं, सब तरह के वोल्टेज आ रहे हैं, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा स्कीमेटिक का नॉलेज होना प्रॉपर वो जरूरी है कि नहीं है? जी सर जरूरी है, पहले तो पता भी नहीं था, स्कीमेटिक के बारे में भी पता भी नहीं था, यहाँ पे आके स्कीमेटिक भी सीखना भी। बताओ क्या यूट्यूब में देख करके स्कीमेटिक सीखा जा सकता है क्या? नहीं नहीं सर नहीं सीख। अगर क्या बोलना चाहोगे जो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करेगा उसके लिए क्या बोलना चाहोगे, क्यों आए हो एशिया टेलीकॉम? परफेक्ट नॉलेज अगर चाहिए तो एशिया टेलीकॉम आइए, यहाँ पे पूरे कंपोनेंट्स की जानकारी मिलेगा, बहुत डिटेल्स में जानकारी मिलेगा, मतलब फ्यूचर में अच्छे से काम भी कर सकते हैं हम जान के। चलिए थैंक यू, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं इनको उठाना चाहूंगा। बैठिए, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा जी है, मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से आए, आप बताओ टच की सप्लाई बताओ। टच की सप्लाई हम 5 होते सर मेन। टच की सप्लाई में देखे तो 5 से तो 10 भी होगा, अभी 8 भी मिलेगा तो उसका देखो परेशान हो जाएगा, इतना सप्लाई है किस पे कितना वोल्टेज जाना चाहिए नहीं पता है, तो उसमें मेन है 5 है, उसमें 2.8 वाट जाएगा। नेक्स्ट आएगा सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, उसमें 1.8 वाट जाएगा, और रीसेट उसमें 1.8 आएगा। नेक्स्ट आके क्लॉक उसमें 1.8 टच की सप्लाई सही बताइए कि नहीं बताइए? टच की सप्लाई सही बताइए, कैसा फील हुआ, आप कैसा लग रहा है आपको, आप बताओ। आंध्र से इतनी दूर जबलपुर में दिल्ली बॉम्बे क्यों नहीं गए? नहीं सर, मेरा एक्चुअली बोलना तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर जो पोटेंशियल एक जॉब ओरिएंटेड बिजनेस है वो मोबाइल रिपेयरिंग है, और अगर आपने इसमें इतना आप अगर सीख लिया तो आप उनसे भी इतने बड़े लेवल पे चले जाओगे कि जो आप सोच सकते हो कि जो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी नहीं कर पाया। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने बीकॉम करने के बाद भी आया। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो लोग पढ़ने लिखने के बाद सोचते हैं कि सर ये हमारे लिए फील्ड ये छोटी, कोई छोटी फील्ड नहीं है, यहाँ आना और बैठना बहुत बड़ी बात है। हर कोई आदमी यहाँ बैठ कर नहीं बैठ सकता, बहुत माइंड सेट चाहिए उसके लिए और बिल्कुल फोकस स्टडी चाहिए। तो चलिए इनसे पूछते हैं, थोड़ा बताइए इनके बारे में। और एक बात सर, मैं डिग्री होने के बाद एक वीडियो देखता था यूट्यूब में, एक सब्सक्राइबर का देखता था, अगर मेरे को तुम्हारा वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत इंक्रेज हुआ, मेरे को मैं कोर्स करना चाहता था, मैं सुबह उठते मेरे एक ही ड्रीम है, मैं इधर जा जबलपुर जाना काम सीखना, एक ही ड्रीम था मेरा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ड्रीम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो यहाँ पर ये जो दिल से निकला हुआ है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लाइव एडिट चल रहा है यहाँ पर, मैं क्या कर रहा। अच्छा ये बताओ कि क्या अब वाकई में इस टेलीकॉम कभी छोड़ोगे क्या लाइफ में? नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, कभी ये फील्ड नहीं छोड़ना है लाइफ में, गॉड गिफ्टेड है सर, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ेगा। वेरी मच, आप बैठिए बैठिए। और अब यहाँ पर हम उठाएंगे, आइए इनसे हमें डिस्प्ले का, डिस्प्ले की सप्लाई सर, कितने कनेक्टर सर, 30 पिनों का कनेक्टर, 40 पिनों का कनेक्टर, अभी देखकर ही आदमी सोचता है कि चेक कहां से करूं, कौन सा कंपोनेंट चेक करूं, क्या लाइन चेक करूं, बताओ कौन कौन सी लाइन है सर। सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर में VSP वोल्टेज, थोड़ा आप नीचे कर सकते हो, रहा VSP वोल्टेज चेक करेंगे प्लस 5 का, VSP और VSN जो वोल्टेज होता है वो काहे के लिए होता है सर? VSP प्लस 5 होता है और VSN प्लस माइनस 5 होता है, ये ग्राफिक्स पैदा करता है। जी सर ठीक है, फिर के दूसरा, फिर सर VIO वोल्टेज VIO वोल्टेज चेक करेंगे, वेरी गुड, फिर वो 1.8 वोल्टेज है।
फिर सर डाटा MIPI और वो रिसेट बिल्कुल, और फिर उसके बाद क्लॉक, तो ये लाइन हो गई। फिर सर टीयरिंग इफेक्ट्स, तो दोस्तों टीयरिंग टी की लाइन वेरी गुड। फिर उसके बाद में आईडी आइडेंटिफिकेशन। देखो दोस्तों इतनी बड़ी लाइनें, इतनी सारी लाइनें याद रखना मुश्किल है, क्या वाकई में याद रखना है? हमको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी ये लड़के ने इतनी लाइनें दिमाग में बिठाई है, तो इसके लिए बहुत जोरदार ताली। आईडी की सप्लाई हो गई है, एनटीसी की सप्लाई हो गई है, सीएमबीसी की सप्लाई हो गई है, तो ये सारी सप्लाई डिस्प्ले करेक्टर की सप्लाई है। वेरी गुड, कैसा लग रहा है तुमको, क्या फील हो रहा है? मतलब एज अ टेक्नीशियन तुमको क्या लगता है कि आप यहाँ से जाने के कुछ काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर, सर मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ फील्ड में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। अगर बंद कंडीशन में कोई आई तो डायरेक्ट पार्ट बस चेंज कर सकते थे, ट्रेसिंग नहीं कर पाते थे। अब ट्रेसिंग करके तो आईसी तक जा सकते हैं, स्कीमेटिक रीड कर सकते हैं। जी सर, मतलब अगर स्कीमेटिक की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आईसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं टेक्निकली उसको। जी सर, यहाँ पे आपने स्कीमेटिक विड्रॉ किया अपना, तो अपने कॉपी में बनाया यहाँ पर आईसीओ के GRER बनाया यहाँ पर। ठीक है, बैठिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जीआर क्या होता है, सबको पता है क्या यहाँ पर जीआर? बताइए हाथ खड़े करके किसको पता है जीआर क्या होता है, कौन बताएगा जीआर क्या होता है, कौन बताएगा यहाँ पर जीआर क्या होता है, बताइए। देखिए वो खड़े होते, बताइए थोड़ा क्या होता है जीआर, बोलो एक बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जीआर क्या होता है, बता दो क्या होता है। ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, क्यों जरूरत होता है, कहां से आता है, कितना होता है, बताओ ना पूरा। ये आईसी से आता है लगभग 400 से 600 के बीच। भाई आईसी से आता है जनरली 400 से 600 के बीच में, तो ये आपका आईटूसी वाला लाइन पे हो गया। जो आईसी से आता है ये आता है मिनिमम 40 ओम से लेकर 2000 ओम। आईसी कोई सी भी हो सकती है। अगर आपको किसी भी पैड पे चेकिंग करना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, एक ग्राउंड रेजिस्टेंस। ये बेसिकली चाइनीजों ने बनाया था अपने सर्किटों को लेकर, तो हमने जो यूज कर रहे हैं पहले के जमाने में उसको कहते थे पल्स रीडिंग, यही सब कहते थे कि वैल्यू चेक कर लो कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अब वही चीज ग्राउंड रेजिस्टेंट बन चुकी है। जीआर चेक करना बहुत, जीआर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी आईसी पे आप काम कर रहे हैं, आईसी को आपने 4 बार निकाला लगाया फिर भी काम नहीं कर रही है, तब उसके पैड के जीआर चेक करने हैं। ये चेक करने के लिए कि इसमें आईटूसी लाइन आ रही है कि भी नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको आज आईफोन 6 के लाइट सेक्शन बताया कि नहीं बताया? चलो बताया, मतलब आपको बताया किस किस को आ जाएगा लाइट सेक्शन आईफोन 6 का, हाथ उठा के बताइए यहाँ पर। ठीक है, आईफोन 6 का भी थोड़ा हमने आईफोन का प्रोग्रामिंग बताई आपको, यहाँ पर बैठिए। इसके साथ में दोस्तों बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो यहाँ पर और भी मैं सवाल दोस्तों आइए इससे थोड़ा सा और सवाल करते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट और हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को उठा पाना एक वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर ओपन है और आप जब आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। पहले सच बता दूं, तुमको डायरेक्ट सीट मिल गई थी क्या यहाँ पर? नहीं सर। नहीं, किसको डायरेक्ट सीट मिल गई थी, किसी को डायरेक्ट सीट मिली क्या? नहीं सर। है ना, आप लोग का क्या एक बार भी फोन उठ गया था क्या? नहीं सर। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ी ना, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? थोड़ा बोल दे यार, जो बहुत सारे लोग बोलते सर आप लोग कॉल नहीं उठाते हो, क्यों नहीं उठाते हो, क्या आपने क्या आप कर रहा उस समय? क्योंकि यहाँ पे वेटिंग बहुत रहता है, मैं भी जब पहले कॉल किया था, आना था यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में, तो 3 महीने से लगातार कॉल कर रहा था, तब 3 महीने वेटिंग रहा था मेरा। 3 महीने की दिया, बाद में 3 महीने सडनली बुकिंग नहीं दी। क्या हमने कोई ऑफर दिया आपको? नहीं सर। क्या हमने आपको ये बताया कि यहाँ आओ तो हम आपको बिस्किट खिलाएंगे या फिर आपको यहाँ पे बैग देंगे, ऐसा कोई ऑफर दिया? क्या यहाँ से कोई लड़की 10 बार कॉल करके आपको बता रही है क्या? क्यों, रीजन क्या है उसका, क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे जो नॉलेज दे दिया जा रहा है वो बेस्ट है, इसीलिए सब यहाँ पे आते हैं, इसीलिए आते हैं यहाँ पर, आ रहे जा रहे हैं। आपको बता रहे जनवरी तक का हमारा बैच फुल है और यही रीजन है, और अभी भी हमारे बहुत सारे काम करना, और हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट मिलते हैं हमको। जो आप जाओगे तो आप जाके कोई पूछेगा कि कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ का नाम बताओगे? एशिया टेलीकॉम। चलो मुझे बताओ कि वोल्टेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वोल्टेज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वीबेट, वीपीएच और वीएसवाईएस। अगर वीबेट, वीपीएच लाइन कहाँ से बनती है, कैसे बनती है? वीपीएच डीसी टू डीसी आईसी से। और उसका आउटपुट में क्या कंपोनेंट लगे? बूस्ट कॉइल लगा रहता है। बूस्ट कॉइल लगा होता है। वीपीएच बनाता है डीसी टू डीसी आईसी, दो डीसी टू डीसी आईसी के नाम बताओ। बीक्यू आईसी और सेकेंडरी पावर आईसी। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाओ। समझ में आ रहा है? तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि एशिया टेलीकॉम के यहाँ पर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एशिया टेलीकॉम का पूरा आउटपुट है। क्या मैं आपसे हर एक से सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ पर? कौन कौन सवाल का जवाब दे सकता है हर एक से? तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ रिव्यू नहीं लेते हैं, हम यहाँ से सवालों के सवाल हम सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी ले रहे हैं, टेक्निकली यहाँ पर ले रहे हैं। तो सिर्फ एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि यहाँ हमने बहुत मेहनत की है इनके साथ में, और एक बार इन्होंने भी मेहनत की, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं। बजे से आना और नहा धोकर तैयार होना और शाम तक पढ़ना और पूरा हर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत हैंडसम है। मतलब मैं सच बताऊं, मैं इनको देखता हूं तो इतनी एनर्जी आती है। बीच में भी मैं बीमार भी पड़ा था तो इनको देखकर ही मैं जगा कि यार जब ये इतने कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो बहुत बड़ी बात है और एक बार हम टीचरों को इनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। इतना बेस्ट इनका बैकअप, इनका इतना बेस्ट इनका आउटपुट बनवाएंगे अभी 10 दिन में यूएमसी में, इनने अच्छा काम करवाएंगे और इनसे वादा करते हैं कि लाइफ में इनका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आने वाले हर पल में जहां इनको लगेगा कि इनको जरूरत होगी हमारी, वहां इनके साथ खड़े रहेंगे। ये इसे टेलीकॉम का आपसे हमेशा वादा रहेगा और ये शुरुआत से है। चीज मार्केट में आएगी और अगर ऐसे टेलीकॉम उसको प्रमोट करेगा तो उसका हर एक फायदा आपको मिलेगा, शुरू से लेकर टूल से लेकर हर एक चीज का स्कीमेटिक से लेकर आपको फायदा मिलेगा और सारी चीज ऐसे टेलीकॉम की आपके साथ में रहेगी। और बस इसके साथ में मैं वीडियो को खत्म करूंगा और कहूंगा कि दोस्तों कि आप देख रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पर दो बार सैनिटाइज होता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर सैनिटाइज की बात करूँ या मेंटेन की बात करूँ तो प्रॉपर क्लीनिंग है आपको मिलती है, गंदगी तो यहाँ पर नहीं मिलती। तो यहाँ पर बात करूँ तो क्लीनिंग और जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है आप देख रहे हैं वैसे आप भी रखिए, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो कीप मेंटेनिंग योर सेल्फ एंड कीप मोटिवेटेड एंड की हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हालांकि उठेगा थोड़ा लेट तो उसके लिए मैं पहले से समझ आ रहा हूँ। उसके साथ एक साथ कहेंगे कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है। पूरी क्लास यहाँ पर दिखाइए, क्लास यहाँ पर आज हम EMMC चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे EMMC चेंज कर लेगा? सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पे स्टेट काम ठीक है। अभी हमारे इनके बहुत सारे रिव्यू वीडियो हमने बनाए हुए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे हमारे लेटेस्ट चैनल हमारे एशिया टेलीकॉम में। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपको एक लाइव मोबाइल यहाँ पे दे दें तो आप में से कौन कौन सी पावर आईसी CPU MMC निकाल के बाबा चालू कर लेगा? आप लोग सब चालू करेंगे। आपने यहाँ पर ये सारी चीजें की है कि नहीं की है? एक बार की है या दो बार की है? बहुत बार की है ठीक है। तो आगे कितनी बार की है? जैसे सपोज 10 बार यहाँ पे बहुत लोगों ने किया है ना यहाँ पर, आपके सेट में भी किए कि हमारे सेट में किए? आपने अपने सेट में किए, 4G सेट में किए कि 3G सेट में किए? 4G सेट में किए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?